अच्छा आपका पति बहुत अच्छा है और किसी का पति बहुत बुरा है, ऐसा क्यों मिलता है? किसी को अच्छा मिला, किसी को ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पति भी आपके भाग्य से, आपके भाग्य मीन्स पुण्य, जितना अच्छा पुण्य आपने किया होगा पिछले जन्म में, उतना बढ़िया क्वालिटी का पति मिलेगा। और आपका पुण्य कम होगा तो चाइना मॉडल मिल जाएगा। जिनके पति बात बात में बिगड़ जाते, मारते रहते हैं पत्नियों को, ये सब चाइना मॉडल है। थर्ड क्वालिटी के ब्रांडेड नहीं है ये। और जिनकी पत्नी जरा जरा सी बात में मैं मायके के चली जाऊंगी, ये भी चाइना मॉडल है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है इसे, थर्ड क्वालिटी की है। अच्छी क्वालिटी का पति कैसे मिलता है? आपके अच्छे पुण्य से। आपने अच्छे पुण्य किए होंगे, अच्छा पति, अच्छा बेटा, अच्छा परिवार, पुण्य कम ऐसे। किसी का पति अच्छा नहीं है, शराबी है, चरित्रहीन है, तो उस स्त्री को भी ऐसे शराबी ऐसे पति को समझाए, उसे राह पर लाए, ना आए तो अब जैसा है ये किसी जन्म का ये तुम्हारा पाप है जो निकल रहा है इस पति के रूप में। जीवन साथी बुरा मिल जाए तो ये पाप का ही फल होगा, अच्छा मिल जाए तो ये पुण्य है। हाँ या ना? चाहे वो पत्नी हो या पति हो, जीवन संगनी जीवन साथी बुरा है मतलब ये आप अब जो किया था वो चुक रहा है तो चुकाने दो, चुकने दो भैया, जैसे चुक रहा है। अब पति चाइना मॉडल है, थर्ड क्वालिटी का है, मारता है, शराब पीता, क्या करें? कोई बात नहीं। पद्म पुराण में एक छोटी सी कहानी आती है, मैं आपको सुनाऊं, सुनिएगा। एक स्त्री थी, एक पत्नी थी, उसका पति बहुत अच्छा नहीं था, पराई औरतों को देखता रहता था, और ये बात उसकी पत्नी ने भली भांति समझ लिया। भाई आंखों की भाषा भी तो समझ में आती है, जब आप किसी को देखते हैं ना तो आप समझदार होगा तो देखने से ही पता लगा लेगा कि आप किस नियत के व्यक्ति हैं। केवल आपकी वाणी ही नहीं बोलती, आपका मुंह ही नहीं बोलता, आपके देखने का तरीका भी बोलता है, आपके दृष्टिकोण, आपकी आंखें भी बोलती हैं, पता है ना आपको। बस ये तो समझदार लोग चाहिए समझने के लिए। तो उसकी पत्नी समझ गई कि मेरा पति चरित्रहीन है, परंतु कोई बात नहीं, वो अपने पति की सेवा करती, बड़ी अच्छी नारी थी। पत्नी पति को भोजन कराए, पति की सेवा करे, पति के लिए पूरा ख्याल, सब कुछ। कुछ दिन बाद उसके पति को कोढ़ का रोग हो गया, उसका पाप बहुत था पति का, तो पति को कोढ़ का रोग हो गया। वो कोढ़ ऐसा हुआ कि चमड़ी ना गल गल करके गिरने लगी, मावाद पूरे शरीर में बनती, दुर्गंध आती उसके शरीर से। लेकिन पत्नी जरा भी कोई गलत विचार ना लाकर वो पति को रोज नहलाती। अब उसका पति असमर्थ हो गया चलने फिरने में भी, परंतु वो रोज अपने पति को नहलाए, उसको सुंदर कपड़े पहनाए, मावाद को साफ करे। कोई नहीं आता था उसके पास, पूरा गांव मोहल्ला उस गली से नहीं गुजरता था जहां उसका घर था, इतना दुर्गंध था उसके शरीर में। लेकिन वो पत्नी बड़ी पतिव्रता नारी थी, अपने पति की सेवा करती और पति को भोजन करा के भोजन करती, पति के सिवा सपने में भी पराए मर्द का वो कभी चिंतन नहीं करती, श्रेष्ठ पतिव्रता नारी। एक दिन सर्दियों का मौसम था, उसका पति आंगन में बैठा था, सामने से सड़क थी,
अब उसका पति बाहर बैठा था, पत्नी अंदर काम कर रही थी, कि तभी उस गांव की एक सुंदर वैश्या जो राजा के यहां नाचने जाया करती थी, तो वो सुंदर सी वैश्या सिंगार करके उसी रास्ते से गुजरी। तो ये जो कोढ़ी आदमी था, इसने उस वैश्या को देखा, वाह कितनी सुंदर है, कितने सुंदर इसके बाल हैं, कितने सुंदर इसके गाल हैं, कितना सुंदर इसका शरीर है। उसने देखा, और जब देखा तो ये उस वैश्या पर लट्टू हो गया, मन मन में कामना कर बैठा कि क्या ये स्त्री मुझे मिलेगी। अब वो सोच ही रहा था कि वैश्या तो चली गई रास्ते से, इसकी पत्नी आई। पत्नी ने देखा किसके मन में कुछ चल रहा था, तो पत्नी ने समझ लिया कुछ है, पूछा, स्वामी जी क्या हुआ, आज आप उदास हैं। उस कोढ़ी ने अपनी पत्नी से कह दिया कि सुनो, तुमने आज तक मेरी बात टाली नहीं। अब देखो, वो आदमी अपनी पत्नी की सरलता का अब वो दुरुपयोग करने लग गया। उसने कहा कि तुमने आज तक मेरी बात नहीं टाली, अच्छा वो पतिव्रता नारी थी, वो काय को टालेगी, जो कहता वो ये पत्नी करती। पति बोला कि सुनो, पति बहुत दुष्ट क्वालिटी का था और ये बहुत सज्जन थी, बहुत सीधी थी, पतिव्रता ही थी। अब वो बड़ा दुष्ट, उसने कहा कि सुनो, वो जो वैश्या है ना, एक काम करो कि तुम मुझे एक रात के लिए उस वैश्या से मिला दो, कुछ पैसा लेगी तो तुम अपना कुछ जेवर एवर बेच के उसको दे दो, और उसको पैसा ही तो चाहिए, एक बार मेरे पास ले आओ। अब ये बात एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि मेरा दिल एक वैश्या में आया है। सोचो कि आज का पति बोला होता अपनी पत्नी से, तो वही दो चार जमा देती। ले, एक तो कोढ़ी है बीमार और दिल और कहीं आ रहा है इसका, दो जमाती मुंह में, और ये इस लायक था भी। लेकिन वो नारी बड़ी पतिव्रता। अब इसने कहा ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। अब वो शाम को जब मुजरा करके राजा के यहां से घर आई, तो ये जाकर उस वैश्या से मिली, और उस वैश्या से इसने अपने पति की बात कही कि हमारे पति का दिल तुम में आया है, तुम जितना पैसा चाहो ले लो, पर एक बार मेरे पति से चलकर मिल लो, वो आपसे प्रभावित है, मिलना चाहते हैं। अब वैश्या को आश्चर्य हुआ, हे भगवान, ये किस तरह की पत्नी है, अपने पति के लिए मेरे से बात करने आई है। उस वैश्या ने कहा, बहन मैं हाथ जोड़ती हूं, तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग है, बहुत दुर्गंध आती है उसके शरीर से, मैं तो रास्ते से निकलती हूं तो नाक पकड़ के निकलती हूं, मैं क्षमा करो बहन, मैं तुम कितना भी पैसा दोगी मैं तुम्हारे पति के पास नहीं जाऊंगी। चूंकि वो तो वैश्या ही थी, पैसा लेकर किसी के भी पास जा सकती थी, पर इसके पति में कोढ़ था, रोग था, बदबू थी, वो मना कर दिया, बोले मावाद निकलती है, मैंने सुना है, मैं नहीं जाऊंगी, तुम पैसा कितना भी दो मैं नहीं जाऊंगी। अब ये पत्नी बोली, बहन मेरे पति की आज्ञा है। उसने साफ मना कर दिया वैश्या ने। अब ये लौट कर आई तो पति ने पूछा क्या कहा, उसने बता दिया कि उसने मना कर दिया, बोले नहीं। तो उसके पति ने फिर कहा, नहीं तुम चाहोगी तो वो आ जाएगी, एक बार तुम कोशिश करो।